नमस्कार साथियों, एक बार पुनः एक नई चर्चा में आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि जब एक साधक की कुंडलिनी जागरण प्रारंभ होता है तो उस प्रारंभ से लेकर करके और जब कुंडलिनी पूर्ण जागरण हो जाती है, एक साधक की क्या अनुभूति होती है, एक साधक कैसे अनुभूति करता है। हर एक साधक जो इस साधना में रत है उसका ये लक्ष्य होता है कि उसकी भी कुंडलिनी जागरण। लेकिन ध्यान रखो, जिस समय कुंडलिनी जागरण शुरू होती है उस समय कैसी अनुभूति होती है इसको जानना जरूरी है। तो जब कोई साधक मंत्र जाप के द्वारा सहजता से या फिर ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से कुंडलिनी जागरण करता है तो सबसे पहले उसके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होने लगता है। आज्ञा चक्र का स्पंदन इतना गहरा होता है, दर्द देने लगता है। लेकिन यह जो दर्द है मीठा दर्द होता है, साधक के लिए यह आनंद दर्द होता है। इस दर्द के साथ एक साधक पूरे जीवन जीने के लिए तैयार है क्योंकि इतना आनंदित दर्द है। यह आज्ञा चक्र का जो स्पंदन है यह संसार के सारे दुखों को दूर करने वाला होता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी तनाव होगा नहीं। तो सबसे पहले यही से कुंडलिनी शक्ति का काम शुरू होता है। व्यक्ति का शरीर रोमांचित हो जाता है जिस समय व्यक्ति कुंडलिनी जागरण होती है। जिस समय किसी भी आसन में पद्मासन सुखासन में बैठा शरीर पूरा रोमांचित हो जाता है। नसें नाड़ियों बिल्कुल खिंचाव हो जाता है, सर की नसें बिल्कुल फटने को तैयार हो जाती है, खिंचाव इतना हो जाता है, दांत बिछ जाते हैं। फिर उसका जो कुंडलिनी है मूलाधार चक्र वहां थोड़ा सा स्पंदन होगा। धीरे धीरे तिल तिल करके कुंडलिनी शक्ति जिसमें उठती है शरीर में उतना रोमांचित होने लगता है। शरीर एकदम ऊपर की ओर खींचने लगता है, सर ऊपर की ओर खींचने लगता है और साधक कई बार इसी में डर जाता है। लेकिन जो साधक डरता नहीं वो अपनी साधना को टूटने नहीं देता है। धीरे धीरे कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है, जितनी ऊपर उठेगी उतनी ऊर्जा एक्टिव होगी, उतना शरीर में नसों में नाड़ियों में खिंचाव आएगा, दबाव आएगा। व्यक्ति पसीने से लथपथ हो सकता, पसीने आ सकते हैं, उसका मुखमंडल लाल पड़ जाता है। साधक फिर भी ध्यान करते रहता है, कुंडलिनी धीरे धीरे आपके सप्तधिष्ठान चक्र मणिपुर चक्र को क्रॉस करके भेद करके जब अनाहत में पहुंचती, अनाहत में पहुंचते व्यक्ति जो होता है बिल्कुल सरल बन जाता है। यहाँ पहुंचे व्यक्ति के मन से काम क्रोध वासना समाप्त हो जाती, छल प्रपंच चुगली समाप्त होने लगती, उसको लगने लगता आत्मग्लान होने लगती, मैंने इतने कुकर्म कुकृत्य किए। उसके बाद जब कुंडलिनी शक्ति विशुद्धि चक्र पे पहुंचती है तो साधक का गला रुक जाता है, रोने को हो जाता है, कई बार तो बहुत तेज से रोने लगता है, कई बार आंख से आंसू आने लगते हैं। धीरे धीरे यही कुंडलिनी आज्ञा चक्र होते ही सहस्रार चक्र पे जाकर के वापस आज्ञा चक्र विशुद्धि अनाहत होते ही मणिपुर चक्र में प्रवेश करती है और साधक को बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन यह आनंद कई लोगों के लिए कष्टकारी हो जाते हैं, कई साधकों के लिए ये आनंददायक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साधक कौन सा ब्रह्मचारी है कौन गृहस्थ है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की मानसिकता का, व्यक्ति की कर्म के, व्यक्ति की जीवन शैली का। इन सब के द्वारा व्यक्ति सकारात्मक नकारात्मक स्थिति में जीता उसी प्रकार कुंडलिनी काम करती। जिस चीज की आप में अधिकता होगी कुंडलिनी उसी दिशा में आपकी ऊर्जा डेवलप करने लगी। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से पूर्व व्यक्ति को सात्विक होना बहुत जरूरी है और कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होने के बाद परम आनंद की प्राप्ति जो होती है उसका बखान करना मुश्किल है। हमें विश्वास है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा कृपया कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।